तीन दशक से भी ज्यादा समय तक सेवा में रहने वाले MiG-27 लड़ाकू की भावपूर्ण विदाई। जोधपुर में 7 लड़ाकू विमानों ने भरी आखिरी उड़ान। करगिल युद्ध और ऑपरेशन पराक्रम में इस लड़ाकू विमान ने निभाई थी अहम भूमिका। ओडिशा के बालंगीर जिले में LPG बॉटलिंग संयंत्र राष्ट्र को समर्पित। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधित। कहा, महिलाओं को राहत के साथ साथ ग्रामीण इलाके को स्वच्छ रखने में मिलेगी मदद। कारखाने की उत्पादन क्षमता 42 लाख सिलेंडर प्रति वर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रयासों से भारत चीन सैन्य संबंध में सुधार। चीन के रक्षा प्रवक्ता कर्नल वू कियान का बयान। कहा, आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई और क्षेत्रीय स्थिरता की रक्षा को लेकर दोनों देश प्रतिबद्ध। आधार कार्ड धारकों की संख्या 125 करोड़ के पार। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हर भारतीय तक पहुंचने की कोशिश। आयकर भरने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी है ये 12 अंकों वाला यूनिक दस्तावेज। कजाकिस्तान के अलमाटी में एक बड़ा विमान हादसा। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दो मंजिला इमारत से टकराया विमान। 15 लोगों की मौत की पुष्टि। 66 जख्मी। राहत और बचाव का काम जारी।